कुछ लोग ऐसे हैं जो हीना के कमौलिका होने पर तरह तरह के सवाल उठा रहे हैं। कहा जा रहा है कि हीना खान को कोई और रोल नहीं मिला तो उन्हें वैम्प का किरदार करना पड़ा। लेकिन इन सभी लोगों को, इन सभी हेटर्स को हीना खान के बॉयफ्रेंड रॉकी जायसवाल ने करारा जवाब दिया है। यूं तो हीना भी ये बात कई बार कह चुकी है, लेकिन अब रॉकी ने फिर से इस बात को दोहरा दिया है। रॉकी ने कहा है कि कमौलिका का किरदार हीना के लिए सिलेक्ट करना आसान नहीं था, हीना के पास बहुत सारे ऑप्शंस थे। रॉकी ने कहा कि इन ऑप्शंस में फिल्में भी थी, लेकिन हीना ने सब कुछ छोड़कर कमौलिका को चुना क्योंकि कमौलिका सबसे अलग था। वहीं आप लोगों को बता दें कि हीना खान कमौलिका के किरदार के लिए यानी कि नेगेटिव रोल के लिए तैयार बिल्कुल नहीं थी। हीना का मानना था कि इंडस्ट्री में एक बार नेगेटिव रोल कर लिया तो कोई के किरदार के लिए यानी नेगेटिव रोल के लिए तैयार बिल्कुल नहीं थी। हीना का मानना था कि इंडस्ट्री में एक बार नेगेटिव रोल कर लिया तो कोई किरदार के लिए यानी नेगेटिव रोल के लिए तैयार बिल्कुल नहीं थी। हीना का मानना था कि इंडस्ट्री में एक बार नेगेटिव रोल कर लिया तो कोई किरदार के लिए यानी नेगेटिव रोल के लिए तैयार बिल्कुल नहीं थी। हीना का मानना था कि इंडस्ट्री में एक बार नेगेटिव रोल